सुनो घंटी बजता रे, सुनो घंटी बजे स्कूल की, चलो स्कूल तुमको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल योगी राज योगी ऑफिशियल। हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम देखते हैं स्टैंडर्ड 3 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो यूनिट टेस्ट का पेपर है, पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट दिसंबर 2020। कुल मार्क्स है इसके 25 है मित्रों, जो गुजरात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा जो यूनिट टेस्ट ली जाती है उसका पेपर है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन 1। मार्क राउंड ऑन द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके मित्रों आंसर है आपको खुद लिखने हैं, नहीं कि किसी जगह से ढूंढकर हम आंसर लिखिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपकी जो नोटबुक है उसमें आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो भी चलेगा। फर्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैविस्ट, जिसमें ये हम शो हो रही है जो चित्र है आप देख रहे हैं, बी सी और डी, जो हैविस्ट है उसमें आपको राउंड करना है। सेकेंड नंबर पर हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट, जिसमें ए हम देखते हैं 1 किलोग्राम कॉटन, बी 1 किलोग्राम ग्राउंड नट, सी 1 किलोग्राम व्हीट, डी नॉन ऑफ द अबव। थर्ड नंबर पे देखते हैं मित्रों विच वेट विल बी यूज्ड टू गिव 2 किलोग्राम ऑफ शुगर, जिसमें ऑप्शन ए 10 किलोग्राम, बी 2 किलोग्राम, सी 5 किलोग्राम। फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ प्रीथा स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 3, जिसमें ऑप्शन ए देखते हैं 30 किलोग्राम, बी 3 किलोग्राम, सी 30 ग्राम और डी 3000 ग्राम। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेट इज लेस देन हाफ अ किलोग्राम, जिसमें आपको जो ए ऑप्शन बी ऑप्शन शो हो रही है आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपको आंसर देखना है देख के। क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आइटम एंड इट्स वेट गिवन इन अ टेबल। आइटम और वेट, आइटम देखते हैं वीट, पोटैटो, कैबेज, मैजी और जैगरी, तो इसमें से वेट है आपको देखना है, वीट का 5 किलोग्राम, पोटैटो 10 किलोग्राम, कैबेज 1 किलोग्राम, मैजी 15 किलोग्राम और जैगरी 8 किलोग्राम, जिसमें क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम व्हाट इज़ द वेट ऑफ बोथ वीट एंड जैगरी। सेकेंड नंबर पर What is the total weight of both potato and maize? Third number पे How much heavier is maize than wheat? Fourth number पे देखते हैं How much heavier is potato than cabbage? Fifth number पे हम देखते हैं Which object is the least in weight? Question 3 देखते हैं Match A box with B correctly, जिसमें A object है, B scale है, आपको सही तरह से ढूंढकर बी ऑप्शन में से आपको चुनना है, ठीक है। जिसमें ए में हम देखते हैं फर्स्ट ए बॉक्स में 2y द बॉडी, 2y गोल्ड सिल्वर, और थर्ड नंबर पे हम देखते हैं 2y वेजिटेबल्स, फोर नंबर पे 2y सैक ऑफ ग्रेन, फाइव नंबर पे द मेज्योर द वेट ऑफ गैस बोतल, तो इस तरह आपको ढूंढकर सही आंसर देने हैं। क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स आपको फिल करनी है। फर्स्ट हम देखते हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 6 into जो ब्लैंक है उसमें आपको आंसर देना है। सेकेंड नंबर पे 11 + 11 + 11 = 2 blank into 11, इसका जो प्लस करके जो आंसर आता है वही आंसर जो 11 के साथ मल्टीप्लाई करके आता है वो आंसर आएगा, ठीक है, इस तरह आपको देना है आंसर। थर्ड क्वेश्चन 1 chocolate cost ₹2, then price of 2 chocolates is, fourth question 3 × 8 =, fifth question 7 × 1 means equal blank into blank. Question 5, proceed to the following pattern. First number पे देखते हैं 2, 4, 6, 8, इसमें आगे कौन सा डिजिट नंबर आएगा आपको पता लगाना है, जो पैटर्न है उस पर खास आपको
जो फॉलोअप करना लेना है, ठीक है, उसमें जो फॉर्मूला यूज़ हुई है वो आपको अच्छी तरह से समझना है, जिसमें सेकंड नंबर पे 3, 6, 9, 12 इसी तरह आगे आपको बढ़ना है। थर्ड नंबर पे 6, 12, 18, 24 इस तरह आपको आगे बढ़ना है। फोर्थ नंबर पे 10, 20, 30 एंड 40, फाइव नंबर पे 20, 40, 60 और 80 इस तरह पैटर्न को आपको आगे बढ़ाना है। आई होप कि फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पेपर। अगर कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट करके हमें बताना, हमें आपके जो सवाल है उसके आंसर हम देंगे। और आपको कोई लेसन है, कोई पॉइंट है, नहीं समझ में आ रहा हो तो हमें बताना कमेंट में, उसी के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो है वो बनाएंगे। ठीक है मित्रों, इसी तरह एजुकेशनल वीडियो है, जो नॉलेजेबल वीडियो है, गुजरात एजुकेशन पॉलिसी के वीडियो है, टेक्नोलॉजी के वीडियो है, इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर लाते हैं। ठीक है, तो इतना रखते हैं। आपका और आपके परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।